तो स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक हाउस पर। जैसा कि फ्रेंड्स, यहाँ पर ओप्पो के रेनो सीरीज ने काफी ही धूम मचाए थे, लेकिन वीवो का सिर्फ एक ही फोन अभी हमें फिलहाल देखने मिला था, V17 Pro। लेकिन यहाँ पर इस बार हमें वीवो की काफी धड़ाकेदार सीरीज इस बार देखने को मिल जाएगी। एस सीरीज और वाई सीरीज के अंदर दो नए फोन आने वाले हैं। एक तरफ होगा आपका वीवो का Y19 और एक तरफ होना वीवो का S5। दोनों ही फोन अपकमिंग फोन है, दोनों ही फोन बहुत जल्दी से इंडियन मार्केट में रिलीज होने वाले। तो चलिए देख लेते हैं प्राइस रेंज सेम है और क्या क्या फीचर्स में चेंजेस होने वाले हैं, तो प्लीज हैव ए लुक। तो फ्रेंड, यहाँ पर पहला पॉइंट जो हमारे डिफरेंस का बनता है वो तो डिस्प्ले क्वालिटी। अगर फोन की देखी जाए तो यहाँ पर जो आपको वीवो Y19 के अंदर मिल जाता है 6.53 इंच का वाटर नॉच डिस्प्ले, जिसमें कि IPS LCD क्वालिटी मिलने वाली है डिस्प्ले की। यहाँ पर काफ़ी ही थर्ड क्लास अगर देखा जाए एक तरीके से डिस्प्ले क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी Y19 में। लेकिन फ्रेंड, जैसा कि आप देखें, वीवो S5 के अंदर आपको मिल जाता है 6.44 इंच का U-Infinity डिस्प्ले, वो भी AMOLED क्वालिटी के साथ। काफ़ी ही बढ़िया डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा वीवो S5 में। तो यहाँ पर कंपेरिजन इसलिए कर रहे हैं कि दोनों के प्राइस एक्सपेक्ट जो बता रहे थे वो सेम है, लेकिन फीचर में काफ़ी डिफरेंट थे। तो फोन आप जल्दी ना करें लेने से पहले एक बार वीडियो पूरी देख लें। तो कैमरा क्वालिटी की बात करें, अगर देखा जाए तो वीवो Y19 में आपको मिलने वाला है फ्रंट के अंदर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और रियर साइड पर ट्रिपल कैमरा का स्लॉट मिलने वाला है, जिसमें कि प्राइमरी लेंस हो जाएगा आपका 16 मेगापिक्सल का और अल्ट्रा वाइड शॉट हो जाता है आपका 8 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का आपका डेप्थ सेंसर। और वहीं वीवो S5 में काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट करा है इस बार कि 32 मेगापिक्सल का आपको मिल जाता है फ्रंट में सेल्फी कैमरा और रियर साइड पर भी क्वाड कैमरा का सेटअप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि जो हमारा प्राइमरी लेंस होने वाला है वो होने वाला है 48 मेगापिक्सल का। 8 मेगापिक्सल का आपको मिल जाता है यहाँ पर अल्ट्रा वाइड शॉट, जिससे कि 1160 डिग्री तक आप फोटोस क्लिक कर पाएंगे। 5 मेगापिक्सल का मिल जाता है आपका टेलीफोटो लेंस, 10 सेंसर और वहीं 2 मेगापिक्सल का आपका माइक्रो लेंस भी इसमें मिलने वाला है। तो काफ़ी बढ़िया आपको क्वालिटी मिल जाती है वीवो S5 के कैमराज के अंदर। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, देख लेते हैं परफॉर्मेंस क्वालिटी कैसी है दोनों फोन की। तो दोनों ही फोन आपके एंड्रॉइड 9 पाई पे वर्क करने वाले, लेकिन जो प्रोसेसर है दोनों फोन का काफ़ी डिफरेंस है। वीवो Y19 में मिल जाता है मीडिया टेक का हेलियो P65 प्रोसेसर, काफ़ी लो प्रोसेसर देखा जाता है ये वाला, लेकिन वीवो S5 में काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट है। क्वालकॉम का 712 स्नैपड्रैगन मिल जाता है, जो गेमिंग की लिए काफ़ी बेटर होने वाला है। तो फ्रेंड, थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि फ्रेंड परफॉर्मेंस क्वालिटी यहाँ पर वीवो S5 की काफ़ी बेटर आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि स्टोरेज की सीरीज दोनों ही फोन की है, जो बेसिक वेरियंट आपको अवेलेबल होने वाले हैं वो 6GB 128GB का बेसिक वेरियंट दोनों ही फोन का मिल जाएगा, जिसे आप बढ़ा सकते हैं आपको 256GB तक। ये काफ़ी प्लस पॉइंट होता है, अपने हिसाब से आप अपनी मेमोरी को एक्सटेंड कर सकते हैं। थोड़ा सा देखें कि भाई बैटरी कैपेसिटी दोनों ही फोन की कैसी है, तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट आपको वीवो Y19 में काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, वो भी 18W के फास्ट चार्जर के साथ, मतलब बैटरी ही बड़ी है, बाकी तो फीचर्स में इतना दमदम नहीं है। वीवो S5 का देखा तो 4000mAh की बैटरी मिल जाती है, वो भी 18W के फास्ट चार्जर के साथ। चार्जर सेम है लेकिन बैटरी में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो प्राइस रेंज की बात करें दोनों ही फोन की क्या होने वाले, तो एक्सपेक्टेड जो प्राइस इंडियन मार्केट में दोनों के फोन की बताई जा रही है 6GB 128GB जो बेसिक वेरियंट है। एक तरफ वीवो Y19 आपको मिल रहा है 16,990 रुपये में और वहीं वीवो S5 में 18,999 रुपये में। तो थोड़ा सा ही प्राइस का माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन क्वालिटी बढ़िया आपको मिल जाती है वीवो S5 में। फीचर्स लेके यहाँ पर परफॉर्मेंस लेके कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया आपकी वीवो S5 में देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड, अगर आप अभी तक फोन नहीं लिया तो थोड़ा रुकें और इसी तरह की टेक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कैमरा रिव्यूज भी हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं।